हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंग्लिश लिसियम। मैं हूं आपका बलराम सर और आज मैं आपको काइंड्स ऑफ क्लाउज पढ़ाने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि फ्रेज एंड क्लाउज के बारे में, यानी कि फ्रेज क्या होता है और क्लाउज क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्या उस टॉपिक से कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए तो हम आपको आज पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ क्लाउज के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है। काइंड्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज के कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा। काइंड्स ऑफ क्लाउज, यानी कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं जी? क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपका प्रिंसिपल क्लाउज। इसका फर्स्ट जो है प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज का एक और नाम है मेन क्लाउज, इसको मेन क्लाउज भी कहते हैं। और इसको एक और भी नाम से हम लोग जानते हैं, इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट क्लाउज। देखिए भाई, प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है कि वैसा क्लाउज जो अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं रहता है, वैसे क्लाउज को ही हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं या फिर मेन क्लाउज कहते हैं। देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा यहां पर प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज। इज द वन विच गिव्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस विदाउट विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर क्लाउज। देखिए ये कहना क्या चाहता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है कि आप प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज इज द वन विच गिव्स कंप्लीट सेंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर क्लाउज। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा क्लाउज जो अपना अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं रहता है, तो वैसे ही क्लाउज को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए जैसे हम लिखे सीखा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हु इज माय फ्रेंड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए। देखिए सीखा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप देखिए कि यहां से यहां तक एक सेंटेंस है कि नहीं। फिर देखिए हु इज माई फ्रेंड, यहाँ फिर दूसरा सेंटेंस हो गया कि नहीं। आप इस पार्ट को पढ़िए, फर्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़िए कि सीखा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीखा एक सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल लड़की है। आप बताइए कि ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं सीखा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये अपने मीनिंग को खुद ब खुद स्पष्ट कर रहा है कि नहीं? अपना मीनिंग खुद ब खुद स्पष्ट कर रहा है कि नहीं? क्या ये दूसरे क्लॉज पर यह निर्भर है? बिल्कुल नहीं है जी, ये अपना मीनिंग खुद ब खुद स्पष्ट कर रहा है जी। इसीलिए ये सेंटेंस क्या कहलाएगा आपका? प्रिंसिपल क्लाउज, इसी को हम मेन क्लाउज भी कहते हैं। अब जी दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हम बोले दैट मैन इज स्टैंडिंग standing there who is my father। अब देखिए बच्चों यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ कि that man is standing there, वह आदमी जो वहां खड़ा है। तो अब बताइए ये सेंटेंस अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए क्या इस वाले सेंटेंस पर ये डिपेंड है क्या? बिल्कुल नहीं है जी,
तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या प्रिंसिपल क्लॉज आपको समझ में आया जी? चलिए तो इसको क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। चलिए देखिए, हो गया जी, इसको नोट कर लिया बाबू। चलिए समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए देखते हैं, अब देखिए, अब इसका दूसरा जो काइंड है सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए दूसरा जो है बाबू सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए आप यहां ये देख रहे हैं कि डिपेंड, डिपेंड का मतलब क्या होता है, डिपेंड का मतलब क्या होता है, निर्भर रहना, यानी कि वैसा क्लॉज जो अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है, तो वैसे क्लॉज को ही हम क्या कहते हैं, या तो हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, यानी कि वैसा क्लॉज जो अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है, तो वैसे क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। देखिए इसको हम डिफाइन कर देते हैं, देखिए यहां पे समझना है क्या लिखा हुआ है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज इज द वन विच डिपेंड्स द प्रिंसिपल क्लॉज फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वैसा क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए। देखिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम यहां पर लिखते हैं द बॉय इज सिटिंग ऑन दैट चेयर हु इज माय ब्रदर। अब देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं कि द बॉय इज सिटिंग ऑन दैट चेयर, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, और यहां देखिए हु इज माई ब्रदर, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। अब दूसरा वाला सेंटेंस का पार्ट को आप देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि हु इज माई ब्रदर, जो मेरा भाई है। भाई मेरा भाई कौन है, क्या मीनिंग स्पष्ट हो रहा है जी? मीनिंग स्पष्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यानी कि ये अपना मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए देखिए ये जो आपका यहाँ ये जो प्रिंसिपल क्लॉज दिया हुआ है इस पर निर्भर है। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, ये अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए इस पर निर्भर है, यानी कि मेरा भाई कौन है, तथा बॉय, बॉय मेरा भाई है। क्लियर हो गया बात? यानी कि ये जो है ये आपका कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या है जी, डिपेंड है। क्लियर हो गया बात बच्चों? क्या कोई डाउट है इसमें? चलिए जी, तो हम आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे बच्चों, और अगले वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपसे अगले मिलते हैं, अगले क्लास अगले वीडियो में मिलते हैं। तो लव यू ऑल।